हेलो फ्रेंड्स, जब भी आपका पोहा खाने का मन न करे तो कोई बात नहीं, आप उसके ये कटलेट बना के तैयार कर सकते हैं। तो ये देखिए, मैं आपको तोड़ के दिखा रही हूँ। ये देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं देखने में, जितने अच्छे क्रिस्पी बने हैं और देखने में अच्छे बने हैं उतने ही अच्छे खाने में बने हैं। और टमाटर की चटनी के साथ तो इसका बात ही अलग है इसकी। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि पोहे के कटलेट, क्रिस्पी कटलेट किस तरह से बना के तैयार कर सकते हैं, वो भी सब्जियों से भरपूर। तो इसके लिए मैंने ये पोहा लिया है। पोहा मैंने एक बड़ा बाउल लिया था, इसको मैं अच्छे से वॉश कर रही हूँ। इसको भिगो के नहीं रखना है, सिर्फ आपको वॉश ही करना है। तो इसीलिए मैं धीरे धीरे करके इसको 2 से 3 बार अच्छे से वॉश करूँगी और एक साइड रख दूँगी। अब चलिए, तो फिर वेजिटेबल से भरपूर है तो ये सब्जियाँ भी रेडी हैं। ये मैंने कैप्सिकम, टमाटर और प्याज तीनों को एक सा ही लिया है, यानी कि बराबर में, और तीनों को कट कर लिया है। आप कोई ज़रूरी नहीं काफ़ी चॉप करो, आप जिस भी साइज़ में काटें इसको इस तरह से कट कर लें। और ये पोहा भी अब रेडी हो चुका है, तो मैं पोहा भी ले रही हूँ अब इसमें। तो ये देखिए, पोहे को मैंने भिगो के नहीं रखा था, पोहे को मैंने सिर्फ वॉश किया था और इसको रख दिया था इसी तरह से, जिससे इसका पानी निकल जाए। तो सारा पानी निकल चुका था। अब मैं इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद ही मैं इसमें सबसे पहले चाट मसाला ऐड कर रही हूँ, 2 बड़ा चम्मच, और ये गरम मसाला मैंने 1 चम्मच ऐड कर दिया इसमें। और ये देखिए, 1 इंच अदरक का टुकड़ा, हरा धनिया और हरी मिर्च, 2 हरी मिर्च मैंने इसमें ऐड कर दी है। तीखा आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। और ये मैंने इसमें 3 बड़ा चम्मच आरा रोट लिए हैं। आरा रोट सिर्फ मैंने बाइंडिंग के लिए ही इसमें ऐड किया है। और ये मैंने पाव भाजी मसाला लिया है, पाव भाजी मसाले से बहुत अच्छा टेस्ट आएगा, आप ज़रूर ऐड करें। अगर आपके पास नहीं है तो आप इसमें जो मैगी मसाला रहता है वो भी ऐड कर सकते हैं। ये मैंने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी नमक इसमें ऐड कर दिया है। और 2 बड़े साइज़ के आलूओं को बॉईल किया, पील ऑफ करके मैश करके इसमें ऐड कर दिया है। तो ये देखिए, सारी चीज़ें रेडी हो चुकी हैं। अभी कुछ बकाया तो अब रह नहीं गया है, इसलिए मैं इनको मैश कर रही हूँ। तो चम्मच मैं एक साइड रख दूंगी और हाथ से ही इसका एक अच्छा खासा डो बना के रेडी करती हूँ। इसमें अगर आपको लगे कि पानी थोड़ा सा ज़रूरत पड़े तो शायद आप डाल सकते हैं, वैसे पानी की ज़रूरत नहीं रहेगी। इसी तरह से ये इसकी बाइंडिंग होने लगेगी। ये देखिए, ये बिल्कुल परफेक्ट डो बन के तैयार हो चुका है। अब आप इसको किसी भी शेप में आप इसके कटलेट्स बना के तैयार कर सकते हैं। इसको आप रेक्टेंगल, ट्रायंगल या सर्कल किसी भी शेप में बनाएं, और लेकिन टेस्ट तो वही रहेगा, किसी भी शेप में बना सकते हैं। अब ये मैंने एक साइड पैन रख दिया है, पैन में थोड़ा सा ही तेल डाला है और एक साइड कढ़ाई भी रख दी है। इसको सैलो फ्राई और फ्राई दोनों प्रकार से बना के दिखा रही हूँ। तो ये सैलो फ्राई कर रही हूँ एक साइड। अब फ्राई करने के लिए ये घोल बनाना पड़ेगा, तो मैंने 2 बड़ा चम्मच मैदा लिया, उसमें थोड़ा सा नमक ऐड करके इसका एक पतला घोल बना के तैयार कर रही हूँ। तो इसमें ये पानी डाल दिया है, जिससे अच्छा खासा एक घोल बना के तैयार करना है जिसका। तो ये देखिए, अब इसका एक घोल बन के रेडी हो चुका है। ये देखिए, लम्ब्स बिल्कुल नहीं रहने चाहिए। और इसमें मैं ये ब्रेड क्रम्स लगाती जाऊँगी और इनको फ्राई करूँगी। तो इसमें मैंने जैसे वो डिप किए और ब्रेड क्रम्स लगाते हुए ये फ्राई करके दिखा रही हूँ आपको। जो कटलेट्स बने हैं उनको सबसे पहले घोल में डिप करना है, फिर इसके बाद इसी तरह से ब्रेड क्रम्स लगाते जाना है और फिर इसको दबा दें अच्छे से, और फिर इसके बाद ही इनको फ्राई करते जाएं। तो फ्राई करने का आप ध्यान रखना है, जो कढ़ाई में जो तेल होगा वो काफ़ी अच्छा गर्म होना चाहिए। तो ये देखिए, ये इसी तरह से अब मैं इसको फ्राई करती जाऊँगी, इसी तरह से आपको डालते जाना है। और जब तक कि इनका कलर अच्छा गोल्डन ना हो जाए तब तक इसको फ्राई ही करते रहना है। और गैस की फ्लेम मैं मीडियम टू हाई करती जा रही हूँ, जैसी ज़रूरत हो। तो ये देखिए, क्रिस्पी क्रिस्पी कटलेट रेडी हो चुके हैं, जो बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट हैं और टेस्टी तो इतने हैं कि यकीन मानिए, आप एक बार क्या, आप हर बार इसी तरह से ही कटलेट बना के तैयार करेंगे। तो आप इसको किसी भी तरह से तैयार कर सकती हैं, मैंने आपको बताया है, सैलो फ्राई भी और फ्राई भी, जैसा आपको पसंद हो आप इसको बना के रेडी करें और खाएं और खिलाएं। ये देखिए, और इसके साथ जो टमाटर की चटनी है, इसमें मैंने हरा धनिया, हरी मिर्च, टमाटर, लहसुन, अदरक और जीरे, काला नमक और सफ़ेद नमक डाल के इसको अच्छे से मैंने ग्राइंड किया, मिक्सी के जार में ही इसको बनाया है। आप चाहें तो सिलबट्टे पर भी ये चटनी बना के तैयार करें। आपके पास जो भी वेजिटेबल्स हो आप उसमें और भी ऐड कर सकते हैं। अगर आपको ये पसंद आए हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना तो बनता ही है। पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू।